आईपीएल में बिकने वाले खिलाड़ियों को नहीं मिलता पूरा पैसा, जानिए कटौती के नियम। आईपीएल में खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगती है लेकिन पूरा पैसा उन्हें नहीं मिलता। भारतीय खिलाड़ियों को अपनी कीमत का 10% हिस्सा टीडीएस के रूप में देना होता है, वहीं विदेशी खिलाड़ियों को 20% हिस्सा टीडीएस के रूप में देना पड़ता है। 1 करोड़ में बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी को 90 लाख और विदेशी खिलाड़ी 80 लाख रुपए मिलते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को सालाना कमाई के आधार पर इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को भारत में इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन उनके देश में वह टैक्स देते हैं।